कृतिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। राहुल गांधी सरकारी हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे। यहां रिलीफ कैंप में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार को वे हिंसाग्रस्त चुराचांदपुर रिलीफ कैंप जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने करीब 34 किलोमीटर पहले विष्णुपुर में उनका काफिला रोक दिया था। पुलिस ने कहा था रास्ते में हिंसा हो सकती है, इसके बाद वे इंफाल लौट गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लखीसराय में कहा कि कांग्रेस 20 साल से राहुल बाबा की लॉन्चिंग कर रही है। इस बार भी पटना से कांग्रेस ने राहुल गांधी की रिफल लॉन्चिंग की है। आपको 20 बार से फेल राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी? नीतीश कुमार सीएम बने रहना चाहते हैं, उन्हें पीएम नहीं बनना है। जिन्होंने विश्वासघात किया है, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उन्हें सबसे पहले दंड देने का काम मुंगेर लोकसभा और लखीसराय से करनी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। आप नेता आतिशी को वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री बनाया गया है। अब आतिशी के पास 8 विभाग हो गए हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इसी साल मार्च में कैबिनेट में शामिल किया गया था। तब आतिशी को 6 विभाग दिए गए थे, जिनमें शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, महिला और बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट कल्चर, भाषा और टूरिज्म जैसे विभाग हैं। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा इस बार पूरी तरह तंबाकू मुक्त होगी। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने 28 जून को एक आदेश जारी किया है, जिसमें नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अमरनाथ यात्रा को तंबाकू मुक्त बनाने को कहा गया है। आदेश के तहत यात्रा में पड़ने वाले सभी पड़ावों पर तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री पूरी तरह बैन रहेगी। गांदरबल और अनंतनाग जिले की डिस्ट्रिक्ट सेल इस काम में प्रशासन की मदद करेगी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाक के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर पर हालात अभी भी सामान्य नहीं है, सीमा पर संघर्ष का आपसी संबंधों पर असर पड़ा है। पाकिस्तान को लेकर जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के कारण उनके रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। भारत ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा जहां रात में आतंकवाद होता है और दिन में व्यापार होता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे। बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को दिल्ली में दिनभर चली कांग्रेस की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंहदेव को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, तैयार हम, महाराजा साहब को बधाई। हरियाणा के यमुनानगर में भाजपा की गौरवशाली भारत रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक नेता है, वह जहां भी जाते हैं वहां कहते हैं मैं यहां नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। उन्होंने हरियाणा के लोगों से पूछा कि क्या यहां नफरत की दुकान है। लोगों के मना करने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां उनकी मोहब्बत की दुकान नहीं लगने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत केस में 3 साल बाद एक बड़ा अपडेट आया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनके पास इस केस से संबंधित कुछ अहम सबूत मिले हैं। इन सभी सबूतों की विश्वसनीयता की जांच की जा रही है। फडणवीस ने कहा है कि कुछ लोग हैं जिनके पास इस मामले से जुड़ी जानकारी है, हम उन तक पहुंच चुके हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। भारत दौरे पर आए फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मैनालो ने गुरुवार को विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात। इससे पहले बुधवार को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस बातचीत में साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी पर फोकस रहेगा। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने बुधवार को एक प्रोग्राम में कहा कि हम भारत के साथ मजबूत डिफेंस रिलेशन चाहते हैं। अमेरिका पहले ही हमारा अहम सहयोगी और दोनों देशों के बीच डिफेंस पैक्ट भी है। कुछ दिन पहले फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की रुचि दिखाई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने अजिंक्य रहाणे को टीम इंडिया का टेस्ट उपकप्तान बनाए जाने पर बीसीसीआई पर सवाल खड़े किए हैं। गांगुली ने कहा कि आप 18 महीने तक टीम इंडिया से बाहर रहते हैं, उसके बाद वापसी पर एक टेस्ट मैच खेलने के बाद ही भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान बनाए जाते हैं। मुझे इस फैसले के पीछे की वजह बिल्कुल समझ नहीं आई।
अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच एमपी टॉप 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।